दोस्तों, इस प्ले स्टेशन अवार्ड्स में जब हमें रेजिडेंट इविल 3 रीमेक का ट्रेलर दिखाया गया तो हम सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए। और हमें इस बात की भी खुशी है कि ये गेम बहुत जल्द रिलीज ही होने वाली है, इस साल 3 अप्रैल 2020 को। इसी के साथ साथ दोस्तों, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि गेम में कितनी तरह की आपको एंडिंग्स देखने को मिलेगी, कौन कौन से मोड्स होंगे गेम के अंदर और किस तरह का एंटेगनिस्ट आपको इस बार देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी न्यूज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से IGN की हो, चाहे गेम्स रेडार की हो, चाहे उनका ट्विटर अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, आप सभी को फॉलो कर लीजिए, तब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा कि ये न्यूज हम कहां से लेकर आते हैं। तो जल्दी से मैं बताता हूँ रेजिडेंट इविल 3 से रिलेटेड कुछ न्यूज। तो पहले पॉइंट्स पे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गेम में जो एंटेगनिस्ट है नेमेसिस नाम का, जैसे आपने रेजिडेंट इविल 2 रीमेक में मिस्टर एक्स को देखा है, इसमें नेमेसिस नाम का कैरेक्टर होगा जो आपके पीछे एक तरह से पड़ा होगा, लेकिन वो मिस्टर एक्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड एनर्जेटिक है। यानी कि आपने देखा होगा कि मिस्टर एक्स गेम में बहुत ज्यादा भागता नहीं है, आराम आराम से चलता है, तो हमें पूरा टाइम मिल जाता है उससे बचने के लिए, लेकिन नेमेसिस में ऐसा नहीं होने वाला। तो इस बार आपको बहुत ही केयरफुली गेम को प्ले करना होगा। सेकंड पॉइंट पे दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें जो कार्लोस है, जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है, उसका कैंपेन लियोन के कैंपेन से भी ज्यादा कॉम्बैट, पजल एंड हॉरर एलिमेंट से भरा हुआ होगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि लियोन से अच्छा गेम प्ले आपको कार्लोस का देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट पे मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस गेम में आपको दो मेजर कैंपेन देखने को मिलेंगे, एक कार्लोस का एंड जिल का, जैसे आपने लास्ट रेजिडेंट इविल 2 रीमेक में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल एंडिंग्स नहीं होगी। यानी कि जो गेम है लास्ट पॉइंट पर अपने वहीं पहुंच जाएगी जिस तरह से गेम की आपने शुरुआत की होगी। यानी कि दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि आप कार्लोस से खेलो कि जिल से खेलो, गेम प्ले में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे पाथ में, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही होगी, यानी कि गेम्स की एंडिंग एक ही होने वाली है। फोर्थ पॉइंट पे दोस्तों, मैं बात करूंगा ड्यूरेशन की कि ये कैंपेन कितने घंटे का होगा। तो लगभग 20 से 25 घंटे होगा। पहले भी जब हमने रेजिडेंट इविल 3 की आपको न्यूज दी थी तो उसमें बताया था, लेकिन यहाँ पर अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, मैं बता दूं कि गेम में काफी सारे नए मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही IGN ने ये ऑफिशियली पोस्ट किया कि इसमें मल्टीपल एंडिंग्स नहीं होगी कैपकॉम से कंफर्म करके, तभी से लोगों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी भी आने लगी थी, लेकिन कैपकॉम ने साथ ही यहाँ पर यह भी बताया कि यहाँ पर आपको कुछ नए मोड्स देखने को मिलेंगे जो पहले रेजिडेंट इविल 2 रीमेक में नहीं थे। और उसका छोटा सा आपने एग्जांपल देखा होगा रेजिडेंट इविल 2 रीमेक में भी, जहां पर हमें सर्वाइवल मोड देखने को मिलता है। एक टोपो नाम का मोड होता है जहां पर हमें बिल्कुल नीचे से गहराई से जाकर ऊपर बाहर एक तरह से एग्जिट करना होता है। तो इस तरह के यहाँ पर काफी वेरिएंट के मोड्स आपको देखने को मिलेंगे और इसका मल्टीप्लेयर भी बहुत अच्छा होगा। तो जिन लोगों को भी शिकायत इस बात से है कि मल्टीपल एंडिंग्स क्यों नहीं है, तो उन लोगों की शिकायत दूर करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर काफी कुछ दिया है। सिक्स पॉइंट पर दोस्तों, मैं बहुत ही कमाल की न्यूज आपको देने वाला हूं, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसे अप्लाई भी कीजिएगा कि जो भी लोग गेम को 3 अप्रैल से पहले प्री ऑर्डर करेंगे, उन्हें उसमें आउटफिट्स, स्पेशल थीम प्लस जो उस गेम का मल्टीप्लेयर मोड है जिसे कहते हैं रेजिडेंट एविल रेजिस्टेंस, वो भी आप उसे मार्च में ही खेल सकते हैं। अब वो कौन सी डेट से ओपन होगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जब भी होगा सबसे पहले नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल उस गेम की लाइव स्ट्रीम करेगा। तो दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप इस गेम को किस पर प्री ऑर्डर कराने वाले हैं, PC पर, PS4 पे या Xbox One पर। वैसे तो मुझे लगता है कि जो लोग रात को 12 बजे से इस गेम को खेलने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे जैसे कि हम है, तो ये गेम 3 अप्रैल को रिलीज होगी, तो यानी कि 2 अप्रैल की रात को 12 बजे से इस गेम की हम ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देंगे। वो डेमो नहीं होगा, आप लोगों को मैं अभी से इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं अपनी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। और साथ ही जब भी इसका मल्टीप्लेयर आएगा तो उसकी भी न्यूज हम आपको पहले से प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा फटाफट से लाइक करके हमें बता दो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।